आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट पेश किया, आत्मनिर्भर भारत का और बलशाली भारत का एक फ्यूचरिस्टिक बजट, इस प्रकार से इस बजट को हम लोग यहां पर उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये बजट किसानों के लिए है, ये बजट गरीबों के लिए है, ये बजट शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के लिए है, ये समाज के पिछड़ों के लिए है, ये युवाओं के लिए समर्पित है, समाज के सभी तबकों को न्याय देने वाला बजट ये निर्मला जी ने पेश किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से हमारे किसानों के लिए 2,37,000 करोड़ रुपया MSP प्रोक्योरमेंट के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है, जो आज तक का सर्वाधिक प्रावधान है। 1,00,000 मीट्रिक टन चावल की खरीद का रिकॉर्ड ये बजट तैयार कर रहा है, और अलग अलग जो हमारे कृषि उत्पाद है उनके खरीद की जो सीमाएं है उनको भी बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया है। इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। साथ साथ खेती के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे कर पाए, उसके माध्यम से करेक्ट प्रेडिक्शन कैसे कर पाए, उसके माध्यम से प्रिसिशन स्प्रेइंग कैसे कर पाए, ये सारी चीजों को इस बजट में समाविष्ट किया गया है। और उसके साथ साथ हमारे किसानों को डायरेक्ट बाजार के साथ जोड़ने वाले, उनको अधिक रियलाइजेशन देने वाले, उनके लिए मार्केट प्लेस तैयार करने वाले, ऐसे जितने स्टार्टअप्स है उनके लिए भी एक विशेष कृषि स्टार्टअप इंसेंटिव ये बजट दे रहा है। सहकार क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा निर्णय इस बजट ने लिया है। विशेष रूप से इनकम टैक्स या मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये सहकार क्षेत्र को 18.5% लगता था और प्राइवेट सेक्टर को 15% लगता था, अब सहकार क्षेत्र को भी 15% तक लाया गया है। और उसके साथ साथ जो सरचार्ज है 12% से घटाकर 7% पर लाया गया है। तो कुल मिलाकर सहकारिता क्षेत्र में मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे नए सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने जो सूचनाएं की है उसके आधार पर सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नल से जल, इस योजना के तहत हर घर जल पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और हर भारतीय के घर शुद्ध जल पहुंचाने का काम मोदी सरकार कर रही है। वही प्रधानमंत्री आवास योजना में हर गरीब को मकान देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट के तहत यहां पर किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्षेत्र है, मैं ऐसा मानता हूं इस बजट का हाईलाइट अगर कुछ होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, क्योंकि हम जानते हैं हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 27 सेक्टोरल इंडस्ट्री को एक डिमांड मिलती है और उससे बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार निर्माण होता है। और 7.5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट 2019-20 के मुकाबले दुगना इन्वेस्टमेंट, रोड्स, ट्रेन, एयरपोर्ट, पोर्ट, शिपिंग और उसके साथ साथ रोपवे, ऐसे सारे और प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत ये जो इन्वेस्टमेंट है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाएगा, रोजगार की निर्मिति करेगा और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट भी करेगा। इस प्रकार का ये अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित, जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, इस प्रकार का निवेश
इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में सरकार कर रही है। कोविड की महामारी में उद्योगों को जो नुकसान हुआ उसमें से उद्योगों को उबारने के लिए ECGLS जो स्कीम तैयार की थी उसको मार्च 2023 तक एक्सटेंशन देकर 5,00,000 करोड़ रुपए का निवेश हमारे उद्योगों को बचाने के लिए हमारी सरकार कर रही है। वही MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और विशेष रूप से चूंकि मैं गोवा से प्रेस कर रहा हूं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच इस बजट के माध्यम से यहां पर दिया गया है। इसके साथ साथ 15 सेक्टर आइडेंटिफाई करके उनको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देने के कारण 60,00,000 रोजगारों का सृजन, 60,00,000 जॉब्स, ये इस माध्यम से सरकार केवल इन 15 सेक्टर से क्रिएट कर रही है। इसके साथ साथ रक्षा बजट में बढ़ोतरी भी की गई है। और सबसे बड़ा निर्णय अगर कुछ होगा तो रक्षा उत्पाद में 68% पैसा देशी उत्पाद पर रिजर्व किया गया है। जो प्रोडक्शन हमारे देश में होगा 68% वही प्रोक्योर किया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि मेक इन इंडिया का इससे बड़ा दूसरा उदाहरण हो नहीं सकता। इतने निवेश के कारण बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और साथ साथ हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना भी हम लोग पूरा कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है, जिसमें पहली बार भारत सरकार डिजिटल रूपी RBI को इशू करने के लिए कहेगा। और डिजिटल रूपी के कारण ये जो ब्लॉकचेन के माध्यम से इशू होगा, इसके कारण क्रिप्टो करेंसी का जो एक जाल हमारे देश में जिस प्रकार से फैल रहा है और उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसको भी हम काउंटर करेंगे। और डिजिटल इकोसिस्टम में इस रूपी के कारण एक ग्लोबल प्रेजेंस हमारा तैयार होगा। इसके साथ साथ डिजिटल यूनिवर्सिटी पहली बार तैयार हो रही है, जिससे डिजिटल इकोसिस्टम को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक्स, एक बहुत ही आधुनिक प्रयोग कि जो सफल होने के बाद कहीं पर भी बैंकिंग सिस्टम हम लोग खड़ी कर पाएंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा निर्णय हो रहा है। पिछले समय मोदी जी ने पोस्टल बैंकिंग शुरू किया था, अब उसको आगे बढ़ाकर डिजिटल पेमेंट गेटवे में पोस्ट ऑफिसेस को लाकर अब हर पोस्ट ऑफिस एक बैंक होगा जो सीधा बैंकों से व्यवहार कर पाएगा। तो हर गांव में जहां बैंक नहीं भी पहुंची है, पोस्ट ऑफिस पहुंचा है और वो पोस्ट ऑफिस बैंक के रूप में वहां पर सरकार की योजनाओं को भी चलाएगा और लोगों को भी उसमें बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सारे लैंड रिकॉर्ड्स तैयार करने का एक काम देश में होने वाला है। और वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, देश में कहीं से भी आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अपने किसी भी करार का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, किसी भी एक्विजिशन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इस प्रकार का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। और साथ साथ भारत की डिजिटल और कम्युनिकेशन पावर को वर्ल्ड क्लास बनाने की दृष्टि से 5G का रोल आउट, अभी तक हम 3G के बाद 4G तक पहुंचे, 5G का रोल आउट सरकार ने घोषित किया है। 5G के कारण टाइम लैग समाप्त होता है, रियल टाइम में हम सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसके कारण एक बहुत बड़े पैमाने पर हेल्थ केयर में डिजिटल इंटरफेस तैयार होंगे और रियल टाइम हम लोगों को हेल्थ केयर भी दे पाएंगे और अन्य क्षेत्र में भी इसका एक बड़ा फायदा ये हमको मिलेगा। और ये भी तय किया है कि ये सारा
जो एक्सेस है केवल शहरों में नहीं हर गांव तक उसी स्पीड का इंटरनेट एक्सेस ये लोगों को मिले, इसका भी सृजन इस बजट में किया गया है। और हम ये जानते हैं कि अभी AVGC गेमिंग इंडस्ट्री जो है ये सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, एनिमेशन एंड गेमिंग ये सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है और सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन इस इंडस्ट्री में होता है। इसके ऊपर भी बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई यहां पर की गई है। महिला और बाल विकास के क्षेत्र में हमारी महिलाएं माताएं ये स्वास्थ्य हो, उनके सारे पैरामीटर अच्छे हो ताकि अच्छे बच्चे को जन्म दे पाए, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाए, इस दृष्टि से मिशन पोषण केंद्र सरकार ने शुरू किया, इसको एक्सपांड किया गया और साथ साथ उन बच्चों को हेल्थ केयर मिले, पोषण मिले, संस्कार मिले, इस दृष्टि से बहुत बड़े पैमाने पर करीब 2 लाख आंगनबाड़ियां ये आधुनिक की जाएगी, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी ये स्टंटिंग से छुटकारा पाकर और बिल्कुल स्वस्थ इस प्रकार की पीढ़ी हम लोग कर पाएंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोगों ने विशेषतः मोदी जी ने COP 22 में जो महत्वाकांक्षी इस प्रकार के हमारे लिए लक्ष्यांक रखे हैं, उसके चलते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। बैटरी स्वैपिंग जैसा एक आधुनिक इस प्रकार का की व्यवस्था खड़ी की जा रही है। 19,500 करोड़ रुपया हम सोलर पावर की निर्मिति में खर्च करेंगे, तो जिसके कारण सोलर पावर में आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूस करने वाला और कंज्यूम करने वाला देश ये भारत बनेगा और प्रदूषण इससे बड़े पैमाने पर कम होगा। विशेषता स्टेट्स को, राज्यों को 1,00,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिना ब्याज का कर्जा जो 50 साल में उनको वापस करना है, ये सबसे जबरदस्त स्कीम राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने दी है। राज्यों को मैचिंग ग्रांट के लिए जब पैसा नहीं होता है ऐसे समय यहां से पैसा लेकर राज्य अपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने विकास को गति दे सकते हैं और साथ साथ राज्य के जो कर्मचारी है उनको भी टैक्स बेनिफिट केंद्र के कर्मचारियों के एट पार देने का निर्णय भी मोदी जी की सरकार ने किया है। इनकम टैक्स के क्षेत्र में जो लोग बोनाफाइड गलती करते हैं उनको पुलिस राज में डालने की जगह 2 साल तक अपना असेसमेंट वो रिवाइज कर सकते हैं, ऐसी एक यहां पर उनको सुविधा मिली है। लेकिन साथ साथ जो लोग इवेजन में पकड़े जाते हैं, रेड में पकड़े जाते हैं, उनको कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा, इस प्रकार की भी एक कड़ी व्यवस्था ये केंद्र सरकार ने खड़ी की है। कुल मिलाकर अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर यह बजट निवेश कर रहा है और इस निवेश के कारण बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण, रोजगार का सृजन इस बजट के माध्यम से होने वाला है। अभी बजट की फाइन प्रिंट आनी बाकी है। मूल रूप से निर्मला जी ने, हमारी अर्थमंत्री महोदया ने, जो एक एक स्टेट की घोषणा होती है, एक एक शहर की घोषणा होती है, उससे बचने का प्रयास किया है। वो फाइन प्रिंट में हमको सब मिलेगा क्योंकि इतना स्पेंडिंग हो रहा है तो हर राज्य में वो स्पेंडिंग होगा, तो हम लोग उस समय उसके ऊपर और चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला जी ने जो बजट यहां पर पेश किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं भारत की जनता की ओर से। Counterpart funding will be provided. मांडलेला बजेट आत्मनिर्भर भारताचे बजेट आहे।